नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ शिप्रा, जो हमारे यहाँ पर शिप्रा मॉल है, उसके पास हमारा उत्तराखंड का एक कल्चरल इवेंट हो रहा है, इसको कवर करने के लिए। और यहाँ पर सामने खड़ी हैं कुछ उत्तराखंड की महिलाएं और बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं। और आइए चलिए करते हैं इनसे बात। तो कहाँ से आए आप लोग सबके सब? हम खोड़ा से आ रही हूँ। खोड़ा से आए हो? और क्या करने, मतलब यहाँ पे क्या करना है? आपने कुछ परफॉर्मेंस करनी है, क्या करना है? ना, हम कौतिक देखे आ रहे। कौतिक देखने आए हो? तो क्या आज क्या देखना चाहते हो, मतलब क्या सोच के होगी, क्या मिलेगा यहाँ देखने के लिए? ऐसा देखिए कुछ नहीं है, मतलब अपनी अपनी भाषा में बोलो। कोई नहीं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बोलो बताओ। पहाड़ी सामान मिले देखे और पहाड़ी प्रोग्राम देखने मिले। पहाड़ी सामान और पहाड़ी प्रोग्राम, आलू नींबू और कीर्तन मंडली रहे छू। अरे ये हम लोग कीर्तन करनू पहाड़ी भाषा में, अब कल्चर को करनू प्रचार। कल्चर क्या हो? कल्चर संस्कृति है, संस्कृति इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश इंग्लिश चालू है फिर। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों ने तो गांव के जो मेले होते हैं, गांव के मेले भी देखे होंगे, तो मतलब उनमें और यहाँ के मेलों में क्या डिफरेंस लगता है, मतलब यहाँ क्या क्या अलग लगता है? बस यहाँ पहाड़ नैन और ये सब कुछ सब मिलजुल में, अलग अलग भाषा लोग है, पाप कर्मी कर्मी आप मुड़ मुड़ करना सब हजम हो। आप क्या कह रहे थे, आप बताओ? मतलब ये पहाड़ नैन और तो सब कुछ पहाड़ी चीज हम लोग। नहीं क्या डिफरेंस बता, और भाई इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं लगता जैसे खाने पीने का या कुछ ऐसा? वहाँ पर क्या खास होता है जो वहाँ के पहाड़ के, क्योंकि मैंने अच्छा मैंने ना एक्चुअली देखा नहीं है पहाड़ का कभी कोई, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मतलब ये ऊपर नीचे सिर्फ पहाड़ और प्लेन का डिफरेंस है या मतलब मेलों में भी कुछ डिफरेंस होता है? क्या होता है का भी है, वहाँ पे आलू के गुटवाए रहता है, हर कुछ अच्छा लगता है। यहाँ क्या घूमना है, यहाँ तो देखा रहता है, देखा वहाँ बिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं अपने वाले, जो फिल्मों में दिखाते हैं जैसे वैसे बिछड़े हुए लोग मिलते हैं। अच्छा आपके एरिया में कौन सा फेमस जो है मेला, वो जो फेमस होता है वो कौन सा? हमारे यहाँ तो मैं तो पौड़ी की हूँ, तो हमारे यहाँ काली का माता होता है भूखाल मेला। अच्छा रैणी का होता है, सोमनाथ का कौतिक होता है, जेठ के महीने में सोमनाथ का मेला। और ये कौन सी जगह पे लगता है? ये मासी में लगता है, सोमनाथ का मेला। अच्छा मासी में लगता है। और आपका लगता है? पौड़ी में। अच्छा गढ़वाल। अच्छा एक बात जनरल पूछ रहा हूँ, नहीं हाँ एक तो है पर मैं उस चीज को मान रहा हूँ उत्तराखंड एक है, बस एक चीज ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जैसे उत्तराखंड का जैसे गढ़वाल का अगर कोई कौती को या कुमाऊं का कौती को, तो इसमें कुछ अलग ऐसा होता है कि ये गढ़वाली है या कुमाऊनी ऐसे पता चल जाए, ऐसा कुछ होता है? ये जो पिछौड़ है ना, इससे पता चल जाता है गढ़वाली और कुमाऊं पर है। तो ये पिछौड़ जो है कुमाऊं का है और गढ़वाल का ऐसे करके थोड़ा सा वो लगाते हैं ऊपर टोपी, मतलब एक ये डिफरेंस है। रीति रिवाजों में भी है। अच्छा रीति रिवाज और भाषा में भी, तो मेलों में तो कोई रीति रिवाज नहीं होते, मेले में तो सारे एक जैसे होते होंगे। यहाँ के मेलों में एक ही जैसे होता है, गांव के होते हैं अलग 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 है, तो अलग अलग जगह मेले लगते हैं, अलग अलग मेले लगते हैं। तो जैसे गढ़वाली लोग वहाँ गढ़वाली लोग रहते हैं, जहाँ कुमाऊं के वहाँ कुमाऊं ऐसा होता। वैसे तो उत्तराखंड एक है, एक है। और भू कानून के बारे में जानते हो, क्या है भू कानून, क्या है भू कानून का? मतलब कि कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ पे ना जमीन नहीं खरीदे, मतलब वहीं के स्थानीय लोग अपनी जमीन खरीदे। लेकिन आजकल क्या है कि बाहर के पहाड़ी लोग तो पलायन के द्वारा यहाँ पहुँच रहे हैं, बाहर के लोग वहाँ पे अपना जमीन जो है खरीद रहे हैं, तो उसको यहाँ पे हमें अपना ना पहाड़ों में ये कानून लगाना चाहिए कि सिर्फ वहाँ पे हम पहाड़ी उत्तराखंड के लोग ही, सिर्फ वहाँ उत्तराखंड का भू कानून जो यही कानून है कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग जो है सिर्फ वही वहाँ पर। आप लोग उत्तराखंड के भू कानून को सपोर्ट करते हैं? वेरी गुड। एक सेकंड रुको। और करते भी हैं, हमारे उधर साइड कितनी मस्जिदें अभी तोड़ी गई हैं। नहीं वो तो अलग, वो अलग चीज है, मतलब मैं सिर्फ एक कानून की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिसमें हमारे उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड के लिए जो बेनिफिट है वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ ना, कि वो बात तो सबको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे मैंने इसलिए इस बारे में ये पूछा,
क्योंकि मैं अपने जो जितने भी लोग मेरे चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे तो उनके उनके दिमाग में एक इमेज ये भी जानी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड की महिलाएं या हमारे उत्तराखंड के लोग जो हैं सिर्फ इन मेलों में आके नाचना नहीं जानते या नाच के एंजॉय नहीं करते। जो हमारे अभी समस्याएं चल रही हैं, जो हमारे उत्तराखंड में मेन समस्या चल रही है, भू कानून की समस्या चल रही है, उससे भी अवेयर हैं, अपनी संस्कृति को साथ साथ लेके चल रहे हैं, बट उसके साथ वो जो वहाँ की प्रॉब्लम है उनसे भी अवेयर हैं। इसीलिए जय उत्तराखंड, जय भारत, और थैंक यू सो मच। एक मिनट।